रात का समय था, चारों तरफ घना अंधेरा। एक मदन नाम का आदमी लोटे में पानी लिए जंगल की तरफ गाना गाते हुए जा रहा था। मुन्नी बदनाम होई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम होई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी के लाल गुलाबी नैन शराबी चाल नवाबी रे। अरे मैं कितना अच्छा गाना गा लेता हूँ भाई, मुझे तो अवार्ड मिलना चाहिए। ओहो, मदन लोटे में पानी लिए जंगल के अंदर जाकर शौच करने के लिए बैठ जाता है, जिसके बाद वो खुद से कहता है, जल्दी जल्दी कर ले रे भैया, कहीं वो चुड़ैल यहाँ पर भी पहुँच जाए। उस चुड़ैल की वजह से तो अब हल्का भी नहीं हो पाता इंसान। तभी उसके आसपास की झाड़ियाँ हिलने लगती हैं, जिसे देखकर मदन डर जाता है। अरे दादा, ये झाड़ियाँ कैसे हिल रही हैं? कहीं यहाँ पर चुड़ैल तो नहीं आ गई? मदन बहुत ही गौर से झाड़ियों की तरफ देख रहा होता है कि तभी एक बहुत ही भयानक चुड़ैल उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है और जोर से चिल्ला कर कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई खुले में शौच करने की? क्या तुझे नहीं पता इस गांव में खुले में शौच करने वाला कभी जिंदा नहीं बचता? मदन की आंखें डर के मारे बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वह चुड़ैल को देखकर घबरा जाता है। अरे चुड़ैल मुझे छोड़ दे, अरे अगर हम खुले में शौच नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? ना मूर्ख आदमी, जब मैंने तुम लोगों को बताया था कि खुले में शौच करना कितना खतरनाक है, उसके बाद भी तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम्हें उसकी भरपाई करनी होगी। चल मेरे साथ। चुड़ैल मदन के गले में एक रस्सी बांधती है और उसे खींचते हुए गांव के एक टूटे फूटे शौचालय में ले जाती है, जहां वह मदन को मार कर उसी शौचालय में दफना देती है। मेरे होते हुए इस गांव में कोई भी खुले में शौच करेगा तो मैं उसे जान से मार दूंगी। सबके सब मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। अगले दिन सुबह जैसे ही गांव के लोग उस टूटे फूटे शौचालय की तरफ से गुजर रहे होते हैं, तो उन्हें दोबारा से शौचालय के आसपास खून पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिससे गांव के सभी लोगों को ये समझने में देरी नहीं लगती कि चुड़ैल ने फिर से किसी को शौच करते हुए मार दिया। हे भगवान, उस चुड़ैल ने फिर से किसी को मार दिया। अरे अब किसकी आफत आ गई और कौन शौचालय में दफन हो गया? तभी एक निर्मला नाम की औरत रोते हुए वहाँ पहुँच जाती है और सबसे कहती है, अरे उस चुड़ैल ने मेरे आदमी को मार दिया। कल रात वही जंगल में शौच करने गए थे, मैंने उन्हें कितनी बार जाने से रोका लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और उस चुड़ैल ने उन्हें भी मार। अगर ऐसा है तो चलो इस शौचालय को खोद कर देखते हैं। तभी गांव के कुछ लोग आदमी मिलकर शौचालय के आसपास खोद कर देख लेते हैं, जिसके बाद उन्हें मदन की डेड बॉडी मिल जाती है, जिसे देखकर निर्मला बहुत ही बुरी तरह रोने लगती है। ये सब मुखिया की वजह से हो रहा है, उसी ने ये सब किया था। अब हम क्या करें, हमारे पास और कोई चारा नहीं है और मुखिया हमारी एक नहीं सुनता। चलो हम एक साथ अगर मुखिया के पास चलेंगे तो वो हम सबकी जरूर सुनेगा। गांव के सभी लोग मुखिया के घर पहुंच जाते हैं और उसे मदन के मरने की खबर देते हैं, जिसे सुनकर मुखिया गांव वालों से कहता है, अगर तुम ये चाहते हो कि इस गांव में शौचालय खुलेगा तो ये तुम गलत सोच रहे हो। यहां की परंपरा को कोई नहीं बदल सकता, ये गांव है गांव, मैं शहर की परंपरा नहीं चलेगी, समझ गए तुम लोग? मुखिया गांव में सबसे रईस और अमीर था, उसकी बात को कोई नहीं गिरा सकता था। वहीं दूसरी तरफ गांव के सभी लोग मुखिया से बहुत डरा करते थे, क्योंकि मुखिया अपने आगे किसी को नहीं बढ़ने देता था और कोई अगर उसकी बात ना मानता तो वो उसे मरवा देता। जिसके बाद गांव के लोग अपनी समस्या को लेकर एक अघोरी बाबा के पास जाते हैं और उसे गांव की चुड़ैल के बारे में बताने लगते हैं। तभी अघोरी बाबा को कुछ एहसास होता है और वो गांव वालों से कहते हैं, बहुत बुरा होने वाला है अगर तुम लोगों ने समय पर उस चुड़ैल की बातों को नहीं माना तो वो सब इस गांव में किसी को नहीं छोड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ शहर से एक आरव नाम का लड़का गांव पहुंच जाता है, जो गांव की तरक्की करने के लिए आता है। गांव में किसी भी चीज की सुविधाएं नहीं होती और मैं सारी सुविधाओं की परमिशन लेकर आया हूँ, इस गांव को तो मैं आगे बढ़ा कर ही रहूंगा। आरव गांव के चारों तरफ गांव की तरक्की के पेपर लगा देता है और गंदगी से होने वाली बीमारियों के बारे में भी लोगों को सूचित करता है। देखो गांव वालों, हमारी जनरेशन काफी आगे बढ़ गई है और मैं चाहता हूँ कि इस बढ़ती जनरेशन के साथ साथ आप लोग भी आगे बढ़ो और आपके बच्चे भी आगे बढ़कर आपका नाम रोशन करें। आरव गांव वालों को समझा ही रहा होता है, इतने में वहाँ मुखिया पहुँच जाता है और गुस्से में आरव से कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे गाँव में आने की और मेरे गाँव के लोगों को मेरे खिलाफ भड़काने की? अरे आप ये क्या कह रहे हैं, मैं तो गांव की तरक्की की बात कर रहा हूँ, इसमें लोगों की भलाई है। यहाँ शौचालय, पक्की सड़कें और बच्चों के लिए अच्छे स्कूल होंगे तो गांव आगे बढ़ेगा। देख छोरे, ये गांव ऐसा है और ऐसा ही रहेगा, ना तो यहाँ शौचालय बनेगा और ना ही पक्की सड़कें,
हमारे गांव को बदलने की कोशिश न करियो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद आरव को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह अगले ही दिन शौचालय बनवाने लगता है। वहीं चुड़ैल दूर खड़ी आरव को शौचालय बनवाते हुए देख रही होती है। आखिरकार इस गांव की तरक्की के लिए और मेरे सपने को पूरा करने के लिए इस गांव में कोई आया तो सही, अब मैं शांति से यहां से मुक्त हो सकती हूं। चुड़ैल ये सब दूर खड़ी देख ही रही होती है। वहीं दूसरी तरफ मुखिया वहां पहुंच जाता है और अपने साथ कुछ मुश्तंडे लेकर आता है, जिनसे वह कहता है, एक भी शौचालय यहाँ नहीं बनना चाहिए, जाओ और सबके सब तोड़ दो। मुखिया की बात सुनकर वे सभी मुश्तंडे शौचालय तोड़ देते हैं। ये सब चुड़ैल से देखा नहीं जाता और वो उसी समय सबके सामने प्रकट होती है। तुम लोग ऐसे नहीं सुधरोगे, तुम्हें तो सजा जरूर मिलेगी। ये कहकर चुड़ैल मुखिया के सारे गुंडों को मार देती है। वहीं चुड़ैल को देखकर मुखिया की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वह डर के मारे चुड़ैल के हाथ जोड़कर कहता है, मुझे माफ कर दो चुड़ैल, अरे मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, मैं आज ही ये गांव छोड़कर यहां से चला जाऊंगा। तभी गांव के लोग अघोरी बाबा को लेकर वहां पहुंच जाते हैं, जिसके बाद अघोरी बाबा चुड़ैल से कहते हैं, चुड़ैल तुम इस गांव के लोगों को क्यों मार रही हो, आखिरकार तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुम्हारी आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली। अघोरी बाबा की बात सुनकर चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोते हुए उनसे कहती है, मैं इस मुखिया के बड़े भाई की बेटी हूँ, मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाने लिखाने के लिए शहर भेजा था। जब मैं पढ़ लिख कर गाँव आई तो मैंने कई औरतों को खुले में शौच करते हुए देखा और इस गांव के आदमी उस समय उन औरतों का बहुत मजाक बनाया करते थे। इस बात से परेशान होकर मैंने अपने पिताजी से इस गांव में शौचालय बनाने की बात की, जिससे मेरे पिताजी बहुत खुश थे, लेकिन मुखिया ने पुरानी परंपराओं के चलते इस गांव में शौचालय बनाने नहीं दिया। जब मैंने जिद करके इस गांव में एक शौचालय बनाया तो मुखिया से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने मुझे जान से मार दिया, साथ ही साथ मेरे परिवार को भी मार कर शौचालय पर ही दफन कर दिया, जिसके बाद मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और मैंने खुले में शौच करने वाले लोगों को मारना शुरू कर दिया। चुड़ैल की बात सुनकर आरव की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह चुड़ैल से कहता है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, तुम चिंता मत करो, इस मुखिया को तो मैं सजा दिलवा कर ही रहूंगा और साथ ही साथ इस गांव को भी पुरानी सोचों से निकाल कर रहूंगा और इस गांव के हर एक आदमी के घर में टॉयलेट जरूर बनवाऊंगा। आरव की बात सुनकर चुड़ैल बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो वहां से मुक्त हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ आरव मुखिया को पुलिस के हवाले कर देता है और उस गांव में जगह जगह शौचालय बनवा देता है, यहां तक कि वह गांव के हर एक घर में टॉयलेट भी बनवाता है।